अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू अ लाइव सेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त में मरहम कम्युनिटी, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट हेल्थ कम्युनिटी है, वहाँ से हम लोग हेल्थ इश्यूज बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेके आते हैं। तो आज हम ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जो मुझे लगता है कि हर मदर उसको रिलेट कर सकती है और ये हर घर का कंसर्न है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शादाब मौजूद हैं, जो कि ओम सी हॉस्पिटल में इस वक्त कंसल्टेंट बच्चों के एज अ कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। तो उनके हवाले से हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताती चलूँ कि मरहम के बारे में थोड़े से हम डिस्कशन कर लें, फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। बेसिकली मरहम एक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम एक ऐसा है जिधर हम लोग तीन तरह की सर्विसेज देते हैं। एक तो हमारा ग्रुप है जिसपे आप आते हैं, जिसपे आप रूल्स के मुताबिक अपनी पोस्ट अप्रूव करवा सकते हो और वहाँ पर फ्री किसी भी वेरीफाइड डॉक्टर से, मतलब रेलिवेंट वेरीफाइड डॉक्टर से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हैं। दूसरा हमारा है कि जो मेंबर्स चाहते हैं कि हम लोग मतलब सामने ना आए, एनोनिमसली काम करें, हमारे लिए उसका फॉरम है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी एक अपनी वेबसाइट है जहाँ हम डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, हम उनको अपॉइंटमेंट्स देते हैं। तो अब हम डॉक्टर की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है। तो ओवर टू द डॉक्टर, हमारे पास बहुत सारे आपके सवाल मौजूद हैं इस वक्त, मैंने वो सारे नोट डाउन कर लिए हैं। हमारा लाइव सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप साथ साथ अगर आपके इसके अलावा कोई और सवाल आते होंगे आप देते जाएं, तब तक हम इसको कवर करते हैं। ओवर टू द डॉक्टर। वालेकुम सलाम डॉक्टर। बच्चों के हवाले से सबसे पहली बात जो मदर्स ने ये कही है, वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी मतलब खाना नहीं खाता है, बहुत तंग करता है। बच्चों के इतने ज़्यादा टेंट्रम्स होते हैं खाना खाने में, तो वो बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, चूजी होते हैं। तो उस हवाले से आपका कोई ऐसा कोई हो कि आप बताएं कि किस तरह बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, सॉलिड फूड्स किस तरह इंट्रोड्यूस करवाई जाए। देखें, ये एक बहुत कॉमन, आप सही कह रही हैं कि हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो इन बोथ जो थोड़ी लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में भी और इवन एजुकेटेड लोगों में भी। इट इज़ अ क्वाइट कॉमन सिनेरियो जो कि हमारी पेरेंट्स अक्सर कंप्लेंट्स कर रही हैं कि पिकी ईटर्स हैं, स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं, कुछ बच्चे सॉल्टिश फूड ज़्यादा लाइक करते हैं, वो बैलेंस डाइट रखना उनके लिए मुश्किल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एज बेसिकली। नॉर्मली जो रिकमेंडेड है वो फर्स्ट सिक्स मंथ्स एटलीस्ट एक्सक्लूसिव मदर फीड या एटलीस्ट मिल्क, एक्सक्लूसिव मिल्क इज़ रिकमेंडेड या मदर फीड हम आइडली रिकमेंड करते हैं। देन रिकमेंडेशन यही है कि सिक्स मंथ्स के बाद आप यूजुअली स्टार्ट वीनिंग। वीनिंग भी एक आर्ट है जो कि मदर्स को विद एक्सपीरियंस आता है, लेकिन यूजुअली हम सेमी सॉलिड डाइट लाइक फ्रूट से, एक फ्रूट से या बनाना या एप्पल से हम शुरू करके वी कैन स्टार्ट एंड अप टू 14 टू 15 मंथ्स आवर टारगेट शुड बी टू बिल्ड अप। ज़रूरी नहीं है कि वन ईयर या 14 टू 15 मंथ्स में बच्चा जो है वो बिल्कुल ही रोटी खाना शुरू कर दे और जैसे आप उसको चाहें वो उसका करें। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए सारे पेरेंट्स को भी कि एवरी चाइल्ड हैज़ हिज़ और ओन प्रेफरेंसेस और टेस्ट लाइकिंग डिसलाइकिंग हर बच्चे की अपनी, जैसे हमारी भी होती है वो है। बट बैलेंस डाइट बहरहाल रखना ज़रूरी है। इफ़ अ चाइल्ड, अगर बैलेंस हम बाकी चीज़ों का करें तो टेस्ट एज इट इज़ फिक्स नहीं ज़रूरी, मतलब आई मीन अगर स्वीट्स में ही हम उसको स्वीटिश टेस्ट के साथ हम उसकी बैलेंस डाइट फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं तो इट वुड बी ओके। और एज लॉन्ग एज बच्चे का वेट और हाइट इज गेनिंग प्रॉपरली तो देर शुड बी नो प्रॉब्लम रियली। डॉक्टर, पहला सवाल मेरे पास ये आया था कि किसी ने मेंशन किया है कि उसका बच्चा 2.5 साल का है और उसको रात के टाइम बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, दिन के टाइम उसको इतनी नहीं होती, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है कि बच्चा दिन के टाइम तो ठीक है लेकिन रात जैसी होती है वो अपनी उसकी कफिंग स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक सिनेरियो है लेकिन एट 2.5 ईयर्स ऑफ एज आई थिंक मोस्ट कॉमन जो हमें सोचना चाहिए वो रीगर्जिटेशन एक बहुत कॉमन सिनेरियो है इस एज पे। ऑब्वियसली विदाउट एग्जामिनेशन कहना बहुत मुश्किल है लेकिन सम टाइम्स टॉन्सिल्स या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा कि लीजन्स भी इस तरह के सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। एनीवेज हम ये कर सकते हैं कि वी शुड अवॉइड इस सिनेरियो में, अगर टिपिकली हम इस बच्चे की बात करें तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि उसको इफ़ द चाइल्ड इज़ टेकिंग सम बेवरेजेस, सम टी, सम कॉफ़ी, ऐसा कोई ऐसी चीज़ें अगर हमने उसको फीड में हम दे रहे हैं तो हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। और हमें उसको फ्राइड चीज़ें रात को अवॉइड करनी चाहिए और अगर हम उसको सिंपल दूध पे रखें तो होपफुली इट विल सेटल विद टाइम। स्टिल आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि अगर कॉन्स्टेंटली ये प्रॉब्लम आ रही है तो दिस चाइल्ड शुड बी टेकन टू अ पीडियाट्रिशियन या किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उसको एग्जामिन करके डिसाइड हो सकेगा कि ये क्यों है और इसके आगे क्या किया जाए। ठीक है, सही हो गया। दूसरा मेन कंसर्न ये है कि क्या नाम है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, जो भी मौसम बदलता है, बरसात होता है, बच्चा सबसे पहले बच्चों पर अटैक होता है, डायरिया हो जाए, उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाए, उनको मतलब कुछ बच्चे तो जो खाते ही नहीं उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मतलब ऐसे क्या उनको फीड देनी चाहिए, ऐसे क्या
उनकी डाइट होनी चाहिए या उनको मतलब मदर्स कोई गलती कर रही हैं या बच्चे बच्चे को किस तरह टिप्स और ट्रिक्स के साथ खाना खिलाएं जिसकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अगेन अ वेरी कॉमन सिनेरियो और ये हर मदर का ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है। देखें इसमें हमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक चीज़ है कि हम फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं। हम जब मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट सिक्स मंथ्स शुड बी एक्सक्लूसिव मदर फीड, एक ही मैसेज सब मदर्स को है कि फर्स्ट सिक्स मंथ शुड बी या एटलीस्ट मदर नो टी नो अदर थिंग एक्सेप्ट मिल्क। ठीक है, हमारे पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पाई जा रही है, लाइक दे स्टार्ट गिविंग टी, दे स्टार्ट गिविंग, इनको बहुत सिरलैक बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं लोग वीनिंग फूड्स की तरफ बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक एक्सट्रीम जल्दी स्टार्ट करने की है, एक एक्सट्रीम लेट स्टार्ट करने की भी है, दैट इटसेल्फ कॉजेज मैल न्यूट्रिशन। तो दोनों एक्सट्रीम्स हो रही हैं। अबाउट सिक्स मंथ्स शुड बी एक रफली गाइड है जो पेरेंट्स के लिए हम देते हैं कि सिक्स मंथ्स के बाद आप उसकी वीनिंग फूड्स प्रॉपरली शुरू करें और आपका टारगेट होना चाहिए 13 to 14 months पे द चाइल्ड शुड ईट वट एवर द मदर इज ईटिंग। ऑल्दो के टीथ करप्शन उस वक्त नहीं हुई होती तो वो डायरेक्टली आप उसको फुल रोटी या डायरेक्ट हम नहीं दे सकते, लेकिन स्टिल च्यूड फूड्स हम उसको तकरीबन सारी चीज़ें उसी बैलेंस में अंदाजन होनी चाहिए जिस फीड में हम घर में देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउस होल्ड, जो आपकी हाउस होल्ड फूड है वो आप उसको दे सकते हैं। इम्यूनिटी वीक होने का ताल्लुक जो है वो जनरल है, एक आस्पेक्ट है जो जनरल है, एक होता है कि हर चाइल्ड का, एज लॉन्ग एज चाइल्ड का वेट एंड हाइट इज़ ग्रोइंग प्रॉपरली तो वी वुड एक्सपेक्ट दैट ही इज़ गोइंग फाइन। जो रिकरेंट डायरियाज और जो रिकरेंट जैसे आपने कहा कि चेस्ट सिम्टम्स आ रहे हैं उसका ताल्लुक ओवरऑल हमारी फीड, हमारी न्यूट्रिशन, हमारी फूड्स में है, क्योंकि इन पाकिस्तान ओवरऑल हमारी सोसाइटी में विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक, स्पेशली जिंक जो है डायरिया से रिलेटेड, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। हमारी मदर्स भी डेफिशिएंट हैं और हमारे बच्चे भी नेचुरली डेफिशिएंट हैं क्योंकि हमारे वाटर डेफिशिएंसीज भी हैं। तो उसके लिए हम सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बट दैट शुड बी डन विद द प्रिस्क्रिप्शन एंड विद द सजेशन ऑफ अ डॉक्टर एटलीस्ट ऑफ कोर्स, और अदरवाइज आप उसको बैलेंस डाइट रखें तो होपफुली इट विल नॉट हैपन। एक पहले होता था कि रोटा वायरस डायरिया बहुत कॉमन थे, बट अब उसकी वैक्सीनेशन आ रही है तो अगर वैक्सीनेशन आप टाइम टू टाइम करवा रहे हैं होपफुली दिस शुड नॉट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स एज लॉन्ग एज बेबी का वेट सही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल आया कि मेरा बेटा 4 साल का है, वेट उसका 12 kg, बहुत वीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स से उसके पेट में दर्द होता है, दिन में अगर 3 बार खाना खाता है तो 3 ही बार स्टूल पास करता है लेकिन नॉर्मली उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट्स लेता है तो मतलब 3 बार स्टूल पास कर देता है, वैसे नॉर्मली कॉन्स्टिपेटेड रहता है। देखें कॉन्स्टिपेशन भी इसमें डिपेंड करेगा कि आप कॉन्स्टिपेशन किस चीज़ को कह रहे हैं। इफ अ चाइल्ड इज पासिंग 3 times स्टूल पर डे तो मेरे ख्याल में तो इट्स नॉट कॉन्स्टिपेशन। हाँ, हार्ड स्टूल्स होना और बात है, वो हर बच्चे की अपनी बाउल हैबिट जरूर है। यहाँ जो मुझे ज़्यादा कंसर्न है वो ये है कि 4 years पे उसका वेट इज़ 12 kg, तो दिस इज़ लो, डेफिनेटली कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। सो आई थिंक यू शुड विजिट सम डॉक्टर एटलीस्ट, और सबसे पहले इसका न्यूट्रिशन की डिटेल्स हमें चाहिए होंगी कि आप इसको क्या डाइट दे रहे हैं, पहले क्या दे रहे थे, इधर इज हैविंग एनी क्रॉनिक डिजीज़, कैन इन्फेक्शंस या कुछ और, ठीक है। तो हमें इसको असेस ज़रूर करना चाहिए कि इसका वेट इज़ लिटिल बिट बिलो फॉर हिज एज। दूसरा सवाल यह है कि मेरी बेटी 5 साल की है और वो मुश्किल से ही खाना खाती है, उसका वेट और हाइट नॉर्मल है, तो क्या मदर को इतना कंसर्न होना चाहिए? देखें ये भी अब मुश्किल से खाना इज़ अ वेरी वेग टर्म जो हमारी हर पेरेंट्स और हर मदर को यही कंप्लेंट है कि इफ़ 5 years पे द चाइल्ड इज हैविंग वेट एंड हाइट आर नॉर्मल तो वी वुड एक्सपेक्ट दैट इट्स ओके। हम उसको सिर्फ इस एज ग्रुप में एटलीस्ट ये जो ऑन फर्स्ट स्कूल गोइंग या टॉडलर एज से अभी बाहर बचाया स्कूल गोइंग एज में है तो हमें उसमें ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए कि जो बाहर के फूड्स हैं लाइक जो फ्राइड मिलती हैं बाहर, लाइक कैंडीज, लाइक स्वीट्स, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इस एज पे आयरन डेफिशिएंसी को हमें ज़रूर लुक आफ्टर करना चाहिए और एक वर्म इन्फेस्टेशन को हमें ज़रूर रेन में रखना चाहिए। अगर बच्चे को कोई और अबनॉर्मल टेस्ट डेवलपमेंट है तो आपको ज़रूर किसी डॉक्टर को दिखा के उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए अगर फीड में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी डाइट में हमें ऐसी क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि उसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए? देखें बिसाइड्स मेडिसिन ये भी डिपेंड्स अपॉन एज। अगर तो मतलब इफ़ इज़ बिलो 1 year ऑफ एज तो हमें ज़्यादा डाइट को नहीं चाहिए, मतलब मिल्क हमें अक्सर पेरेंट्स ये भी गलती करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के बाद वो मिल्क को डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं या मिल्क चेंज करने की तरफ टेंडेंसी हमारी आजकल सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि वी शुड स्विच करें जल्दी करें, ठीक है, बट वी शुड नॉट डू दैट क्योंकि एट बिलो 6 months ऑफ एज इवन वंस पर 2 days यानी 2 दिनों में भी अगर एक दफ़ा बच्चा स्टूल पास कर रहा है तो दैट इज़ ओके। हर बच्चे की जैसे मैं कहा अपनी बाउल हैबिट्स हैं। बिलो 6 months इफ द चाइल्ड पासिस 6 to 7 stools पर डे
या अगर 2 दिन में भी एक क्लास शुरू करेंगे, दोनों ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज है। इन दोनों के दरमियान में हमें वरीसम नहीं होना चाहिए और हमें न्यूट्रिशन को इम्प्रूव रखना चाहिए। आफ्टर अबव 1 ईयर ऑफ एज या जब बच्चा एडल्ट फीड पे आना शुरू हो गया, तो देन वी कैन कंसिडर कि हम उसकी हाई फाइबर डाइट उसके अंदर ऐड करें उसको, और फिर उसकी कॉज के अकॉर्डिंग भी हम चलें। अगर हमें वर्म दिया उसमें एनीमिया क्योंकि टाइम दें, तो हमें उसको वर्म के बारे में सोचना चाहिए जो बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में। ठीक है डॉक्टर साहब, 5 साल की बेटी है, उसका वेट है 16.3 kg। उन्होंने लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल भी मतलब खाना उसको इतना पसंद नहीं है, सिर्फ वो दूध और पानी पीती है। तो मतलब कि ऐसी क्या वजूहत हो सकती है कि बच्चा सॉलिड फूड्स की तरफ नहीं आता है लेकिन लिक्विड की इंटेक ज़्यादा रखता है? देखें इसमें भी वैसे तो 5 ईयर्स ऑफ एज इज इनफ, कैसे डेंटिशन भी पूरी होती है, बट ये ज़्यादातर सिनारियो हमारी सोसाइटी में कॉमनली स्टार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हम स्टार्ट से ही जब बच्चों को करते हैं, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए मदर्स को भी कि 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज पे द चाइल्ड ऑलवेज लाइक्स ईजी, ठीक है, द ईजी वे जो भी उसको मिलेगा जिसमें उसको च्यू ना करना पड़े। अक्सर हमारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उनको च्यूड फूड्स की आदत नहीं डालते, ठीक है, उनको मतलब च्यूड फूड्स की सारी आदत डालते हैं जो सेमी च्यूड ऑलरेडी मिलती हैं, सेमी सॉलिड्स मिलते हैं, उनको च्यूइंग की तरफ या उनको हार्ड फूड्स की तरफ उनको हमारा रुझान नहीं है, उनको हम पहले लेके आते हैं, तो इसलिए हमारी टेंडेंसी कम हो जाती है। 5 ईयर्स पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और अभी एक्यूट यानी अभी आनी शुरू हुई है, तो डेफिनेटली उसको हमें कहीं दिखा के उसको लेट करने की ज़रूरत है। अगर 16.3 kg है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि कोई इतना इशू नहीं होगा, हमसे उसकी डाइट को इम्प्रूव करें तो होपफुली सही हो जाएगा। और आयरन डेफिशिएंसी को देन में हमें ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि 4 साल के बच्चे का आइडियल वेट क्या होना चाहिए? 4 साल के बच्चे का आइडियल वेट शुड बी अराउंड 14 to 15 kg, क्योंकि मदर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं, वो देखती हैं कि मेरे बच्चे की हाइट ठीक जा रही है, उसका वेट ठीक जा रहा है, और स्पेशली वो दूसरे बच्चे को देखती हैं जबकि वो अपने बच्चे से ज़्यादा खा रहा है, तो वो ज़्यादा वरीड हो जाती है, स्ट्रेस में आती है कि उसका बच्चा मेरी एज का ये इतनी हाइट है, वो देखो कितना अच्छा खाता है, मेरा बच्चा इतना नहीं। कंपैरिजन नहीं इसमें स्पेशली हाइट से, तो बिल्कुल हाइट का कंपैरिजन तो नहीं, क्योंकि हाइट इज तो क्वाइट ऑफ्टन डिपेंडेंट के पेरेंट्स की अपनी हाइट्स के हैं। अगर हमारे दोनों पेरेंट्स शॉर्ट होंगे तो डेफिनेटली इसको हम फेमिलियर शॉर्ट स्टेचर कहते हैं, जो कि थोड़े बच्चों बड़े बच्चों में हम इसको ज़्यादा एवेल्यूएट करते हैं, बट स्टिल अगर पेरेंट्स शॉर्ट हैं तो बच्चे की भी हाइट ऑटोमेटिकली इटसेल्फ शॉर्ट ही होगी, तो हमें कंपैरिजन में नहीं आना चाहिए बाकी बच्चों के साथ। इफ़ द चाइल्ड इज गोइंग इसका वेट और वेट का हम प्रॉपरली इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और अगर वो अपनी एज के हिसाब से उसकी ग्रोथ वेलोसिटी सही जा रही है, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि वो न्यूट्रिशनल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बच्चों के हवाले से, उनकी डाइट प्लान के हवाले से डिस्कस करें कि बच्चे को दिन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो डेफिशिएंसी से बच सकें, डिहाइड्रेशन से बच सकें, और मिनिमम कितना खाना खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हो सकता है कि बच्चा आपका बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट अपनी डेली रिकमेंडेशन के हिसाब से सही खा रहा हो, लेकिन मदर्स को लगता हो कि ये इतना सही नहीं खाया, तो वो उसको ज़बरदस्ती खिला रही, जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है और फिर टेंट्रम शो करता है, मदर परेशान होती है कि शायद मेरा बच्चा उतना नहीं खाता जितना उसको खाना चाहिए, तो आप जरा इस पर रोशनी डालें कि कितना खाना चाहिए कम से कम और क्या क्या ज़रूर खाना चाहिए। देखें ये भी देखें दो चीज़ें, एक है क्वान्टिटी ऑफ फूड, एक है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वान्टिटी ऑफ फूड यूजली अगर बच्चे को कोई और क्रॉनिक डिजीज़ ना हो, तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि चाइल्ड हैज़ क्वांटिटी ऑफ फूड, वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर करता रहता है, क्योंकि अगर क्वांटिटी डेफिशिएंट होगी तो प्रॉब्लम होगी। क्वालिटी ऑफ फूड इज़ प्रॉब्लम, क्वालिटी फूड में प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ फर्स्ट 6 मंथ्स शुड बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, और एटलीस्ट मिल्क। फर्स्ट 6 मंथ्स पे देयर इज नो नीड ऑफ एनी मिल्क, नो नीड ऑफ एनी अदर थिंग एक्सेप्ट मिल्क। आइडियली ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ फॉर्मूला फीड वट एवर जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन स्टिल वी वुड रिकमेंड कि मदर फीड इज़ आइडियल फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं, बट वीनिंग के भी इसमें भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, लाइक बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अर्ली वीन करने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चा रोटी खाना शुरू कर दे या जल्दी जल्दी बच्चा फ्रूट्स खाना शुरू कर दे, विच इज़ नॉट द केस, आइडियल केस। तो आइडियली उसको हमें ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए, यू कैन टेक 1 to 2 वीक्स, आप ग्रेजुअली 1 to 1 करके फीड स्टार्ट करें डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड्स एक्सेप्टेबिलिटी, और तकरीबन 1 ईयर या 13 to 14 मंथ्स पे यू शुड ब्रिंग हिम ऑन एडल्ट फूड। एडल्ट फूड डजन मीन, क्योंकि टीथिंग स्टार्ट्स नॉर्मली एट 8 to 12 मंथ्स, और तकरीबन 19 to 20 मंथ्स यानी अबाउट 1.5-2 साल के बच्चे तक की टीथिंग का प्रोसेस चलता है, तो हम वी कांट फोर्स द चाइल्ड, लेकिन यह है कि हम उसको सेमी सॉलिड करके नर्म करके छोटा जो चूड़ी एक पहले ज़माने में चूड़ी भी पेरेंट्स देते थे वो दें, लेकिन उसको सारी चीज़ें जिसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स इवन वीट
ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए, और मिल्क नहीं छोड़ना, मिल्क हैज़ टू बी देयर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस लाइव सेशन से पहले डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमने बात की थी कि बच्चे इतने शौक से खाना नहीं खाते हैं, मतलब उनको फॉर मदर अच्छे से अच्छा खाना बना लें, जो भी बना लें, स्वीट डिश बना लें, सेवरी में चीज़ें बना लें, लेकिन बच्चा इतने शौक से खाना नहीं खाता है। तो उस हवाले से आप मुझे बता रहे थे कि उनके टेस्ट पर इसमें कोई इशू आता है, तो आप प्लीज़ देखें उसमें भी। देखिए दो चीज़ें, एक है नॉर्मल, नॉर्मली भी हर बच्चे की टेस्ट प्रेफरेंस होती है, हर बच्चा एवरी चाइल्ड लाइक स्वीट लाइक टेस्ट। हमारे पेरेंट्स अक्सर जो गलती करते हैं वो ये कहते हैं दे स्टार्ट गिविंग अ लॉट ऑफ स्वीट फूड्स इन द बिगिनिंग। ठीक है, जो बिगिनिंग में जब हम उनको स्वीट्स पे स्वीट या आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आया हुआ है कि हम इनको फोर्टिफाइड मिल्स देना शुरू हो गए हैं एट ये वीनिंग एज के ऊपर, लाइक पीडियाश्योर एनश्योर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया, दिस इज़ हाईली डिस्करेज, क्योंकि वैन वी के स्टार्ट गिविंग दैम कैलरीज, ईजी कैलरीज, तो वो बाकी उनकी एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, दैन बाकी एपिटाइट डिस्टर्ब होने से उनमें अदर डेफिशिएंसीज, जो मोस्ट कॉमन हमारे कंट्री में आयरन डेफिशिएंसी और जिंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी। जब आयरन डेफिशिएंसी द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, तो उसके फिर अब नॉर्मल टेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, दैट इज़ द सिनेरियो। लेकिन अगेन वो बच्चे फिर पेल होते हैं, वो पे हम असेस करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनको हमने आयरन सप्लीमेंटेशन करनी है या नहीं करनी। बट मैसेज की मैसेज वुड बी टू गिव बैलेंस्ड डाइट एंड इन टेस्ट एज वेल एज इन क्वालिटी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या मदर का कितना रोल होता है बच्चे की डाइट में, कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल मदर शुरू में ही अगर एफर्ट करे अपने बच्चे को टाइम टू टाइम सब कुछ खिलाने की, तो कितने परसेंट चांस होता है कि बच्चा हेल्दी ही रहेगा, और क्या नाम है, अगर तो बच्चे को कोई डिजीज नहीं है तो डेफिनेटली 100% मदर का ही रोल है, और तो डेफिनेटली किसी का रोल नहीं है, एज लॉन्ग एज के बच्चे को कोई क्रॉनिक डिजीज खुदा ना खास्ता नहीं है, अगर मदर को बैलेंस डाइट देती रहे तो नॉर्मली बच्चों को दे ग्रो वेल और उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती नॉर्मली। ठीक है, कई जगह मदर्स ने ये कंप्लेन भी शो की है कि वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है उनके पीछे पीछे भागती हैं, बहुत चिड़चिड़े आजकल के बच्चे में बात नहीं सुनते हैं, तो वो किस तरह उनको न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाएं और उसकी ड्यूरेशन कितनी रखें, जब वो नया कोई सेमी सॉलिड या कोई सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कितनी देखें। वीनिंग एज में जब करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट अ फीड तो आप उसको 1 वीक तक यू कैन चेक फॉर दैट उसकी टॉलरेंस उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बच्चे की एक्सेप्ट करें एंड देन इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट फीड, तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो द चाइल्ड स्टार्ट, और मिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें हमेशा स्वीट की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमेशा सॉल्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें बोथ वेज मिक्स करके उसको देनी चाहिए। लाइक मतलब हम इनिशियली तो हम बनाना या एप्पल से स्टार्ट करवाते हैं वीनिंग, लेकिन बाद में हम ग्रेजुअली उनको दोनों तरफ से फीड्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। स्वीट्स बहुत ज़्यादा देंगे तो अगेन हमें प्रॉब्लम्स होगी कि जब हम उनको सॉल्टी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो देन देयर वुड बी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो बच्चे खाना बिल्कुल ही नहीं खाते हैं और वीक से वीक होते जा रहे हैं, तो उनकी मदर्स को मतलब ऐसी कौन सी स्पेसिफिक डाइट कोई लेनी चाहिए, या कोई ऐसा हो कि बस वो उसकी डेली रिक्वायरमेंट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करता रहे, उनकी एनर्जी को बूस्टअप करता रहे। देखें ये क्या वजह है कि बच्चे जो है एकदम से मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं और वीक होने लग जाते हैं, कुछ किया नहीं जाता। एक तो है कि एकदम से वीक हो जाना या एकदम से खाना पीना छोड़ना, वो भी एज डिपेंडेंट है, और एक है कि शुरू से ही बच्चे का वेट आपको लगता हो कि एपेटाइट कम है, अगर तो शुरू से ही बच्चे की है तो डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में लैग कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसको सप्लीमेंटेशन में लैग कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। लेकिन स्टिल अगर बच्चा आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज या बाद में सडन वेट लॉस आ रहा है बच्चे में, तो हमें डेफिनेटली कोई पैथोलॉजी या कुछ भी सोचनी चाहिए और फिर हमें किसी डॉक्टर को ज़रूर उसका कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जो पिकी ईटर्स होते हैं मतलब कोई वेजीज नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं लेते हैं, तो उनकी डाइट में हम क्या चीज़ें शामिल करें कि वो क्या नाम है वो उससे उनकी जो इस फ्रूट और जो वेजिटेबल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं कोई और इसका कोई अल्टरनेटिव है कि वो उसमें पूरा हो जाए, कोई और ऐसा फूड हो कि फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स बिल्कुल ही नहीं खाता है, तो कोई और ऐसी हम लोग डाइट उसको दें जिसमें उसकी इसकी न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं। नॉर्मली होता है, देखें पिकी ईटर में भी डिपेंड्स, नॉर्मली होता है कि चाहे बच्चे जो हैं यूजुअली या फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी इनकी होती है या वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी होती है, तो बोथ वेज। अगर हमारे कोई सिलेक्टेडली कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई 2 या 3 हम सीजनल फ्रूट्स उसकी डाइट में हमें ज़रूर ऐड करने चाहिए, बट ये अदर वे अराउंड अगर हम इसका मिल्क और मीट एग्स ये चीज़ें हम उनके साथ पूरी करते हैं, नॉर्मली माई रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। अगर हमें फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम फोर्टिफाई कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं डिजीज़ का, लेकिन सप्लीमेंटेशन इज़ यूजली नॉट रिकमेंडेड कि हम नॉर्मल ग्रोइंग बच्चे में सप्लीमेंट करना शुरू कर दें। ठीक है,
डॉक्टर साहब आगे समर्स आ रही हैं, रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है, बच्चों में डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होगी, मदर खुद भी डिहाइड्रेटेड हो सकती हैं, तो हम लोग अपनी खुराक में ऐसी क्या मदर और बच्चा दोनों ऐड करें? अगर तो चाइल्ड का मदर फीड, तो सबसे पहला काम तो है ही मदर का मदर फीड, मदर को अपनी न्यूट्रिशन, अपनी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के साथ जो माई कॉमनली सिनारियो माई कंट्री में है वो है कैल्शियम एंड वाइटामिन डी डेफिशिएंसी, जो कि माई कंट्री में बहुत कॉमन भी है, माई मदर्स में भी बहुत कॉमन है, और आयरन। ये तीनों चीज़ें हमें मदर्स को पहले सप्लीमेंट करनी चाहिए अगर बच्चा मदर फीड पे, और अगर एज लॉन्ग एज बेबी का हाल है तो फ्लूइड इनटेक इज इनफ। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि 6 मंथ तक हमने एक्स्ट्रा लिक्विड्स की बजाय हमने उसको सिर्फ मिल्क देना है, मिल्क इज इनफ एज अ फ्लूइड एज वेल एज ए फीड, दोनों वो तीनों में सिचुएशन में दोनों इट्स इनफ। तो हम उसके सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करें जितना कर सकें, यूजुअली इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब अब आप मुझे ये बताएं कि मिनिमम कितना खाना चाहिए एक बच्चे को दिन में, कितनी मील्स लेनी चाहिए दिन में, प्रॉपर मील? अगेन इट डिपेंड्स, जो लेस देन 6 मंथ्स या इन्फेंट जिनको हम कहते हैं उनको अबाउट 8 to 10 फीड्स होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एज है, विद पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चा ग्रोथ है, लेस देन 1 ईयर पे 8 to 10 फीड्स, लेस देन 6 मंथ्स आप कह सकते हैं कि 8 to 10 फीड्स होनी चाहिए, देन वी कैन ग्रेजुअली वो फिर चाइल्ड डेवलप्स कुछ। ये भी हर बच्चे की अपनी हैबिट्स हैं, सम कुछ बच्चे हैं जो 2-3 घंटे बाद फीड ले रहे होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 4 घंटे का भी गैप फीड में ले रहे होते हैं, तो इट्स ओके। अगर एज लॉन्ग एज बच्चे की एपेटाइट इज़ गुड, एज लॉन्ग एज बच्चा यूरिन और स्टूल दोनों पास कर रहा है तो, और कोई और डिजीज नहीं है, तो इट वुड बी ओके। वो 3-4 घंटे का गैप फॉर लेस देन 6 मंथ्स ऑफ एज देना। ठीक है, कोई ऐसा सिरप जिससे बच्चे की भूख बढ़ा सके मदर्स? देखें ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमारी अक्सर मदर्स का ये ख्याल होता है कि सिरप देने से ही उनकी भूख बढ़ सकती है। डेफिनेटली सिरप हमारे पास अवेलेबल कुछ हैं, लाइक ट्राइमेटाबॉल हम दे सकते हैं, या जो भी जिनमें एपेटाइजर्स भी हमारे पास नेचुरल मौजूद है, नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल्स भी हैं, बट हम यूजुअली रिकमेंड तब तक नहीं करते जब तक जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो। कॉमनेस्ट मैंने जैसे कहा कि हमारे में एपेटाइट डिक्रीज होने की वजह हमारे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी है, तो हम अगर आयरन बच्चों का पूरा करें थ्रू डाइट या अगर फोर्टिफिकेशन से, तो यूजुअली एपेटाइट हमारी ऑटोमेटिकली बच्चों की इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल आया है कि मेरा बच्चा 3.5 साल का है और वो प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं बोल पाता, तो इसकी क्या वजह है, उसको फिजिकली एग्जामिन करना पड़ेगा पहले? 3.5 साल का देखें, 3.5 साल पे वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो फुल सेंटेंसेज ही बोलने लग पड़े, यूजुअली 2-3 वर्ड स्पीच आ जानी चाहिए, बट इसको ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सिनारियो को तो हमें ऑब्जर्व करके इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेके ही मैरिलेट कर सकेंगे। तो डेफिनेटली आपको या किसी पीडियाट्रिशियन या किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास को जाने की ज़रूरत है अगर आपको लगता है कि वो 2-3 वर्ड स्पीच भी नहीं बोल रहा। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर आप जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं तो जो मतलब और बच्चे होते हैं उनको देख के बच्चा जल्दी सीख जाता है, जल्दी सेंटेंसेस बोलने लग जाता है, ज़्यादा उसकी फ्लुएंसी हो जाती है, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जिनकी पहला चाइल्ड होता है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो इतनी उम्र में सेंटेंसेज ना बोल सके, तो ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जरूर होते हैं। लेकिन अगेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में वी डू हैव कैन माई स्पीच उस हिसाब से बच्चों की डेवलप होती है, लेकिन स्टिल अगर वैसे मैंने कहा कि अगर हमें फिर भी क्योंकि सम टाइम कुछ डिजीजेज या स्पीच डिले हम मिस भी कर रहे होते हैं, तो हम पेरेंट्स को हमेशा रिकमेंड करना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि 3.5-4 साल की एज पे भी चाइल्ड 2-3 वर्ड स्पीच भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनको एक दफ़ा विजिट जरूर करना चाहिए। और अगर इफ़ इज़ इन नॉर्मल रेंज तो ये तो क्यों ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो वी हैव टू वैल्यूएट इन डिटेल, लेकिन उसको ज़रूर एक दफ़ा विजिट जरूर करना चाहिए सो दैट के वैल्यूएट हो सके कि इधर जेन्युइनली स्पीच डिले है या मतलब फिर हम आपको वी कैन वेट इन वॉच फॉर दैट चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पीडियाश्योर की बात की गई है कि ये मतलब ये बच्चे के लिए कितना इफेक्टिव होता है और ये किस उम्र में देना चाहिए और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए नॉर्मल बच्चों में तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब ये भी इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, मे बी सम डॉक्टर्स ऑल्सो रिकमेंड, लेकिन पीडियाश्योर या इंश्योर या ये जितने फोर्टिफाइड मिल्क हैं ये यूजली ओरिजिनली तो ये मैलनरिश्ड या जो कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के पेशेंट्स के लिए डेवलप किए गए थे जिनमें न्यूट्रिशन हम दूसरे तरीके से ओरली या नहीं पूरे कर सकते, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में स्पेशली जो थोड़ी अपर क्लास हमारी सोसाइटी है इसमें ये बहुत कॉमन डेवलप होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इनफैक्ट साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए ओबेसिटी के। हमारे बच्चे अब इनफैक्ट जल्दी एज में चाइल्ड हुड ओबेसिटी हमारी में बहुत कॉमन होना शुरू हो गया, क्योंकि वी स्टार्ट गिविंग देम दिस मिल्क एट वेरी अर्ली एज, या फिर हम उनको शुगरी फूड्स देना शुरू कर देते हैं बहुत अर्ली एज पे, तो दैट इज़ वन अदर एक्सट्रीम, ठीक है। बट स्टिल हमारे कंट्री में अभी भी मेजर प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन है, तो दोनों एक्सट्रीम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और विदाउट प्रॉपर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या सजेशन के हमें ये वाले दूध नहीं यूज़ करने चाहिए।
डॉक्टर यहाँ पे एक सवाल है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, हाँ तो वो सिर्फ जंक फूड ही पसंद करता है, घर के मतलब घर के खाने की तरफ मुश्किल से ही आते हैं बच्चे, और आजकल तो वैसे ही फ्राइज दे दो, बर्गर खिला दो, शॉर्मा खिला दो, तो ये सब मुझे आपको क्या लगता है कि घर से सब चीज़ें शुरू होती हैं, मदर्स और इन्वायरमेंट में इन सबको डेफिनेटली इस ये तरह इसमें इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ना कि वो ना डेफिनेटली खा देखें सकें। डेफिनेटली ये एक मैंने जैसे कहा कि ये एक और हमारी सोसाइटी का एक्सट्रीम है कि वो हम चाइल्ड ओबेसिटी की तरफ आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अडल्ट्स में तो बहुत अरसे से हमारी सोसाइटी में कॉमन है, लेकिन अब जब बच्चों में भी हमें ओबेसिटी का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा रैपिडली राइजिंग इसी वजह से है क्योंकि हम इनिशियल स्टेजेस से ही और बाद में भी हम बच्चों की हमारी डाइटरी हैबिट्स क्योंकि हमारी अपनी जो हैं वो हार्मफुल फीड्स की तरफ जाते हैं, इसलिए अब बच्चों में भी ये चीज़ आनी शुरू हो गई है कि वी स्टार्ट गिविंग देम जंक फूड। और बच्चे को ऑब्वियसली वो सेमी सॉलिड या सॉफ्ट डाइट मिलती रहती है, इजी फूड मिलती है, द टेस्ट उसकी फिर टेस्ट डेवलपमेंट उसी हिसाब से होती है, एंड देन उसको फिर वीन ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा बच्चा 10 साल का है, वो हर वक्त अपने मतलब स्टमक एक का प्रॉब्लम रहता है, बॉडी एक का प्रॉब्लम रहता है, तो इसका डाइट से कितना ताल्लुक है, या सीजन्स चेंज होते हैं जो भी प्रॉब्लम्स फैलती हैं, जैसे कि जो टाइफाइड हो गया, बुखार इस तरह ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये सारा इसका ताल्लुक। हाँ टेन जी ईयर्स ऑफ एज पे देखें न्यूट्रिशनल फैक्टर्स से ज़्यादा हमें डिजीज़ फैक्टर्स को ज़्यादा सोचना चाहिए। 10 ईयर्स ऑफ एज पे हमें थोड़ी सी इसमें डिटेल हिस्ट्री चाहिए कि कितनी देर से ये प्रॉब्लम है। आपने टाइफाइड की बात की, टाइफाइड ऑल्दो के बहुत कॉमन है लेकिन टाइफाइड ऐसे नहीं है कि बच्चा घर बैठा हुआ है और सुकून से जस्ट इज कंप्लेनिंग ऑफ एबडामिनल पेन या ऐसी की बात है, यूजुअली ऐसे नहीं है। टाइफाइड फीवर विदाउट फीवर इज़ वेरी अनलाइकली, तो इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट हैविंग एनी फीवर तो टाइफाइड तो नहीं है एटलीस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको फीवर भी है और ही इज बीन ऑन एंटीबायोटिक्स सिंस 4 वीक्स। अब देखो इफ ही इज ऑन ट्रीटमेंट फॉर 4 वीक्स आई कांट रियली कमेंट। आई हमें ज़रूरत है कि हम इनकी डिटेल हिस्ट्री और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड हमें पता हो ताकि फिर हम देख सकें कि इसको क्या प्रॉब्लम है। कुड बी टाइफाइड, कुड बी एंटेरिक, कुड बी अदर रीजन ऑल्सो, लेकिन अगर 4 वीक से बच्चा एंटीबायोटिक पे है तो देन डेफिनेटली देर इज़ सम सीरियस इशू, और फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्टिगेट भी किया गया होगा, तो वी नीड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। बच्चे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बाज़ नहीं आते हैं, मदर्स की मना करने के बाद चुप चुप के भी पी लेते हैं, तो उसका किसी ने सवाल पूछा हुआ था कि उसका सर्जरी के अलावा कोई और सोल्यूशन है जिसके बच्चे को टॉन्सिल्स हो जाएं। टॉन्सिल्स के लिए देखिए टॉन्सिलाइटिस काफ़ी कॉमन है हमारी जो है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, बच्चों में भी। टॉन्सिलाइटिस का देखिए इट्स वेरी सिंपल, हम अक्सर अपने पेशेंट्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टू दैट। ठीक है, एक है मेडिकल, एक है सर्जिकल। यूजुअली हम बच्चों में अवॉइड करते हैं सर्जरी इज़ ऑलवेज द लास्ट, इवन एडल्ट्स में भी, लेकिन बच्चों में ऑलवेज सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। यूजुअली हम 8 to 9 ईयर्स 10 ईयर्स ऑफ एज तक अगर बच्चों की उसको अक्यूट इन्फेक्शन नहीं हो रही इतनी फ्रीक्वेंटली तो हम उसको अवॉइड करते हैं एंड वी गिव एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू जब उसको इन्फेक्शन हो उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जब वेन देर इज़ या इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो इतनी इन्फेक्शन कॉज करना शुरू करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की हाइट में, वेट में, ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए, या उसको इतनी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए एवरी टाइम विद हाई ग्रेड फीवर, एवरी 3 to 4 मंथ्स उसको एक एपिसोड आना शुरू हो जाए, ऑब्वियसली ये पीडियाट्रिशियन या ENT स्पेशलिस्ट ही डिसाइड कर सकता है कि इसको हमने कब रिकमेंड करना है सर्जरी के लिए। लेकिन जब उसकी सर्जरी की इंडिकेशंस हों तो फिर उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, फिर डेफिनेटली देर शुड भी, क्योंकि फिर उसके अलावा फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस का भी डर होता है अगर हम उसको जल्दी इंटरवीन ना करें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल सिनारियो के इंडिविजुअली क्या सिनारियो है सब। ठीक है डॉक्टर साहब, हम एक और बात ये भी कर रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चे को अंडा नहीं पसंद है तो हो सकता है, तो आपने बताया था कि किसी और फॉर्म्स में ले सकते हैं, या फॉर एग्जांपल हमने अंडे से प्रोटीन लेनी है तो अगर हम लोग वो अंडा नहीं पसंद करता हम उसको मीट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इस तरह और कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं कि हम मतलब वो बच्चे के फॉर्म्स चेंज कर सकें जिस फॉर्म में वो पसंद हमने तो करता है। हमने बेसिकली ज़रूरी नहीं देखें अंडा, हमारे कंट्री में अंडा एक बड़ी स्टेपल डाइट है, देर आर सम सोसाइटीज़ जहाँ अंडा शायद इतनी स्टेपल डाइट नहीं है, तो हम उसको दूसरे तरीक़ों से प्रोटीन दे सकते हैं। अगर मैं प्रोटीन स्पेसिफिकली की बात करेंगे तो हमारी प्रोटीन सोर्सेज बहुत हैं जिनमें वेजिटेबल्स हैं, जिनमें दालें हैं, जिनमें मिल्क इट सेल्फ है, जिनमें मीट है, हम किसी भी फॉर्म में मीट दे सकते हैं उसको, एग्स इट सेल्फ है। एग डेफिनेटली एक अच्छा सोर्स है नॉट ओनली ऑफ प्रोटीन, ऑफ कोलेस्ट्रॉल एज वेल, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल अगर अगर हमें किसी वजह से नहीं दे पा रहे हम उसको उसका टेस्ट चेंज कर सकते हैं,
होपफुली इट विल ही विल टेक वो ले लेगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा है कि एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे को एक साल तक शहद नहीं देना चाहिए, तो ये बात कहाँ तक सही साबित है? बिल्कुल ये रिकमेंडेड तो नहीं है, ठीक है। हमारे हमारी हमारा सोसाइटी में बहुत कॉमन है गुड़ती देते हैं या शुरू में ही बच्चे को जाके हानि है, इनफैक्ट ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ऑल्दो रेयर लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स का ख़तरा बहरहाल होता है, तो हमें नहीं देना चाहिए। ये सही है, काफ़ी हद तक सही है। यहाँ पे लिखा है हाउ टू डेवलप टेस्ट ऑफ टॉप फीडिंग बेबी सो दैट दे स्टार्ट टेकिंग फीडर आफ्टर लीविंग मदर फीड। यूजुअली ना इट्स यूजुअली इट्स नॉट द ये अदर वे अराउंड है कि हम जिन बच्चों को टॉप फीड शुरू कर लेते हैं उनको मदर फीड पिलाने पर हमें प्रॉब्लम होती है। मदर फीड जो बच्चा ले रहा होगा आइडियली तो उसको 6 मंथ से पहले पहले तो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं है कि अगर हमें कोई और मदर को कोई इशू नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको टॉप फीड पे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर टॉप फीड पे हम उसे लाना चाहें तो यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि बच्चा हमेशा द चाइल्ड ऑलवेज लाइक्स ईजी वे आउट, ठीक है। तो जब मदर फीड, क्योंकि बच्चे को उसको एफर्ट करनी पड़ती है, टॉप फीड का फीडर की निपल इतनी बड़ी निपल होती है तो ही टेक्स इट ईजीली, तो इसलिए हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। और नॉर्मली जो हमारी टॉप फीड अवेलेबल है मार्केट में दे हैव अ लिटिल बिट स्वीट टेस्ट एज वेल, तो बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी ईजी होती है। यूजुअली इट्स नॉट द केस, अगर कोई इशू होगा तो आप ट्राई करें, इंशाल्लाह इट विल सेटल डाउन। ठीक है, बच्चों के साथ साथ दांत भी निकलना शुरू होते हैं, उस पर बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, खाने में तंग करते हैं, तो ये कितना नॉर्मल ही है कि बच्चा खाना छोड़ दे तो इतना ज़्यादा ध्यान? इसमें भी बहुत सारे मिथ्स हैं, इसमें भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में बड़े अरसे से चल रहे हैं। लाइक अक्सर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि टीथिंग एज है तो डायरिया शुरू हो गया, या अक्सर कोई होती है कि टीथिंग एज है तो बच्चे को रैश निकल आए, या बच्चों को होता है कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। एज इट इज़ डायरेक्ट एसोसिएशन इनमें से कोई नहीं है। यूजुअली व्हाट द केस इज़ के 6 to 8 months है जहाँ से फर्स्ट टीथ इरप्शन जो हमारी स्टार्ट होती है। एट दैट एज यूजुअली जो वायरल डायरिया, रोटा वायरल डायरिया, अब तो खैर वैक्सीनेशन से ये कम हो गए, स्टिल वायरल डायरिया था कॉमन, तो वो इस वक्त इसलिए उनकी एसोसिएशन शुरू की जाती थी। ऑब्वियसली जब बच्चे की टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये डज बिकम इरिटेबल, उसको डेफिनेटली हल्का सा पेन भी होता है, तो उसके लिए हम उसको पेन किलर कोई भी पैनाडोल वगैरह दे सकते हैं, बट दैट फेज लास्ट फॉर ओनली अबाउट अ फ्यू वीक्स, तो इट डज सेटल और यूजुअली वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं करता उसको बच्चे को। ठीक है डॉक्टर, अब हम जरा एंडिंग पॉइंट पे आते हैं। तो मदर्स को ये सब चीज़ें नज़र में रखने के बावजूद कोई ऐसे ट्रिक्स टिप्स ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चों को मतलब खाने की तरफ ले के आएँ, जिस तरह वो लालच भी देती हैं कि गेम खिलाऊंगी या इस तरह बाहर खेलने जा सकते हो, टीवी देख सकते हो, पहले खाना खाओ, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रही तो बच्चे की शायद। मैं सबसे पहले मेन चीज़ हमें एक तो है कि स्टार्ट से ही हमें उसको फीड प्रॉपर करनी चाहिए। जो जिन पेरेंट्स ने शुरू से ही बच्चों को स्वीट फीड्स के ऊपर शिफ्ट किया होता है, उनको बाद में लेटर स्टेजेस पे दूसरी तरफ लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सेवरी फीड्स उनको खिलाना बाद में इट्स वेरी डिफिकल्ट, नंबर वन। नंबर टू ये कि साइकोलॉजिकल हम ट्रिक ज़रूर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बच्चे को इतना नहीं करना चाहिए, हमें उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जहन में रखते हुए बैलेंस डाइट प्लान करनी चाहिए। हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल प्लान है, वी कांट फोर्स एवरी चाइल्ड कि उसको अंडा ही खिलाया जाए, और एवरी चाइल्ड को हम ये भी नहीं कह सकते कि वो मरी मीट ही खाए। दोनों चीज़ें बैलेंस रख के एज लॉन्ग एज उसकी ग्रोथ सही है वी आर हैप्पी विद दैट, और हम उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के साथ बाकी मेल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को जेन में रखते हुए अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं तो वी कैन मतलब हम वी विल बी हैप्पी विद दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम लकी हैं कि डॉक्टर शहजाद मसूद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप इनके साथ अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप मरहम की वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये OMC हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट बैठे हैं, मैंने पहले भी बताया था, और आप सबका बहुत शुक्रिया। हम दोबारा हाजिर होंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, इसी तरह रेलिवेंट टॉपिक के साथ, और मेरी तरफ से मरहम कम्युनिटी टीम की तरफ से आप सबका रमदान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।